नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स एनडीए के लिए बताऊंगा। मेरा तीन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एनडीए के लिए, जिसमें से एक है इंग्लिश, एक है मैथ्स और एक है जीएस। सबसे पहले मैथ्स में आते हैं, क्योंकि मैथ्स आप लोगों की सबसे अलग है। एनडीए की जो मैथ्स है वो 11th 12th के ऊपर टोटली बेस्ड है, सीबीएसई पैटर्न। तो एनडीए की मैथ्स के लिए हम कौन से बुक फॉलो करें? सबसे पहले आप एनसीईआरटीज फॉलो करिए। एनसीईआरटीज में बहुत बेसिक फंडामेंटल से चीज़ें दी गई हैं। एनसीईआरटी ख़त्म करिए। उसके अलावा आप आरडी शर्मा का यूज़ कर सकते हैं। आरडी शर्मा में काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप उन एग्जांपल्स को कर लोगे तो आप लिए काफ़ी बहुत अच्छी एनडीए की तैयारी जाएगी। उसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखने के लिए आप अरिहंत की लास्ट 10 ईयर्स की बुक ले सकते हैं। उसमें ऑर्डर से आपको सारा कंटेंट या मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज दिए हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए अरिहंत से, और इतनी ही बुक काफ़ी है आपके एनडीए मैथ्स के लिए। रही बात इंग्लिश की, चलो इंग्लिश में आते हैं बेटा। इंग्लिश के लिए आपको कोई भी अगर रेफरेंस बुक दूँ मैं आपको, तो रेनन मार्टिन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जोसेफ मयाल बिस्वास है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जेसी पब्लिकेशन आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अगेन, आप अरिहंत की जो लास्ट 10 ईयर्स की बुक लोगे उसमें सारी प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए होंगे, तो उसको आप फॉलो करिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए या कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बुक्स, नॉवेल्स अलग से पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ से आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और अच्छे होंगे और आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन में 4 से 5 सब क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लगा लो 20 से 25 क्वेश्चंस आपके सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। उसके अलावा बच्चे बड़े कहते हैं कि सर वोकैबुलरी हम लोग कैसे करें? बेटा वोकैबुलरी इज समथिंग दैट वेयर स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड रियली। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, एक सेपरेट कॉपी बनाइए एंड थोड़ा सा डिटेल में जाकर उसके पीछे की ग्रामर को जानने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसके पीछे की ग्रामर जानने के बाद ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाने के बाद यू विल फील कि कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। और इन एग्ज़ाम 4 ऑप्शंस तो आते ही हैं आप लोगों के बेटा, तो ईजिली आपको क्लिक कर जाएगा। एंड ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स इन टू योर डेली कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, अपनी वार्तालाप में उन शब्दों का प्रयोग ज़रूर करिएगा, इससे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, रहा अब जीएस। ठीक है, तो जीएस एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है। जीएस के अंदर बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा फिर आपकी साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसके अलावा यू हैव करंट अफेयर्स। तो इन सब को करने के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू अ सिंगल बुक। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप एक सिंगल बुक लो जिसमें सारा कंटेंट हो, आपको फिर से स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक जाने के लिए आप, अगर मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँ तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आप फॉलो करिए, बहुत ही बेहतरीन अच्छी बुक्स हैं। साथ में एक एटलस भी आप फॉलो करिए, इतना काफ़ी होगा। साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर्स से आपने रिलेट करना है ज्योग्राफी को। ठीक है, करंट अफेयर्स से आपने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को रिलेट करने हैं। ओके, हिस्ट्री में आऊँगा तो हिस्ट्री में अगेन आप हिस्ट्री को थोड़ा सा कंफाइंड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनडीए में या लेटर ऑन और किसी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप क्लास 11th या 12th की मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, और एक तमिलनाडु पब्लिकेशन के भी एक एनसीईआरटी आती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है जहाँ से हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें मॉडरेट्स का एरा है, एक्सट्रीमिस्ट का एरा है और गांधीयन एरा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गांधीयन एरा है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई हिस्ट्री में। मेडिवेल और एंशियंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को ऑलरेडी आती है तो वो उसके लिए अच्छा है। एक दो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी में आते हैं, पॉलिटी के लिए एक बहुत बेहतरीन बुक बताऊंगा मैं आपको, टाटा मैग्रो हिल की लक्ष्मीकांत है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे बार बार, कम से कम 5-6 बार आपको बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए पॉलिटी को समझना। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के अगेन आप बेसिक एनसीईआरटीज पहले 11th 12th पढ़िए, और फिर इकोनॉमी आपको पढ़ने के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स से देखना ज़रूरी है।
ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साइंस के लिए अगेन मैं एनसीईआरटी आपसे कहूँगा, एनडीए के लिए स्पेसिफिकली क्लास 11th की फिजिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एनडीए में आ जाएंगे। और अगर मैं बायोलॉजी कहूँ तो अप टू द लेवल ऑफ 10th आपसे सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, और केमिस्ट्री भी अप टू द लेवल ऑफ 10th, बट अगेन कहीं ना कहीं करंट अफेयर को आपने इन चीज़ों में फिर से रिलेट करना है। तो ये था जीएस के बारे में, ठीक है। तो बेटा ये तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको इनके बारे में बुक्स भी बता दी, आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी बता दी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पेज पे मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लेरिफाई करूँगा। ऑल द बेस्ट।